सो नो डाउट पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 105 ने चीजों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, बिकॉज इस एपिसोड में हमें फाइनली रिटर्न देखने मिला सरीना का, विच वॉज गुड, हैप्पी एंड सैड एज वेल। बट इन एनी केस, ऐश और सरीना के मीटअप के टाइम पर ऐश ने उसे सीधा मेंशन किया कि वो वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में हिस्सा ले रहा है और उसे इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पोकेमॉन बैटलर बनना है, जिससे ये गेस किया जा सकता है कि ऐश के फाइनल बैटल्स के टाइम पर हमें सरीना का रिटर्न भी देखने मिलेगा, जो कि ऐश और इस पूरी सीरीज के लिए एक काफी बड़ा मोमेंट रहेगा। एंड श्योरली ही इज गेटिंग क्लोज। एंड सो टू रिकैप हिज जर्नी, आज हम बात करेंगे ऐश के वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के हर एक बैटल की, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो फर्स्टली, अगर आपने पोकेमॉन जर्नीज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो सन एंड मून सीरीज में अलोला का चैंपियन बनने के बाद ऐश ने ये डिसाइड किया कि वो अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करेगा और एंटर करेगा वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनने के लिए, जहाँ पर एक रीजन का चैंपियन होने के बाद भी उसका सफर उतना ज्यादा आसान नहीं रहा है। सो करेंटली इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पर वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में ऐश का रैंक है 9th, जो कि श्योरली आगे जरूर इंक्रीज होगा। बट इस सब की शुरुआत हुई थी जर्नीज के एपिसोड नंबर 18 से, जहां पर ऐश ने बैटल की थी वर्मिलियन सिटी के टेम्पररी जिम लीडर विस्क्विज से, और उस बैटल में ऐश ने यूज किया था अपने न्यूली कैप्चर्ड गेंगार और पिकाचू को। पहले ये बैटल तो उतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी, जिसमें विस्क्विज को हराने के बाद ऐश का रैंक हुआ था 0 से 3763, और उसने एंटर किया था वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के नॉर्मल क्लास में। देन जस्ट 2 एपिसोड्स लेटर, यानी कि एपिसोड 20 में ऐश ने बैटल की थी ओलिवर और उसके मंगेनियम से, जिसे हराना वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऐश, और उसके बाद उसका रैंक हो गया था 1512। देन जर्नीज का एपिसोड नंबर 25 ऐश के लिए काफी ज्यादा ग्रेट रहा था, बिकॉज इसमें उसने 2 times रैंक अप किया था। फर्स्टली जब उसने बैटल की थी लॉब और उसके क्लॉविटर के अगेंस्ट, जिन्हें हराने के बाद उसका रैंक हो गया था 1022, जिसके बाद वो मिला था अपने कैलोस के पुराने फ्रेंड कोरिना से, जिसके मेगा लुकारो के साथ एक एपिक बैटल के बाद ऐश का रैंक हो गया था 921, जिससे वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के ग्रेट क्लास में भी पहुंच गया था। फिर जर्नीज के एपिसोड 30 में उसने बैटल की टोनी और उसके इलेक्ट्रावस के साथ अपने न्यूली कैप्चर्ड रियोलू से, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि ऐश का रियोलू काफी पावरफुल होने वाला है। फिर एपिसोड 33 में क्रिकेटिना काइली और उसके हेराक्रॉस के साथ एक शॉर्ट बैटल के बाद ऐश का रैंक फाइनली हो गया था 890। एंड सो फार वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में ऐश की जर्नी अब तक काफी स्मूथ रही थी, बट एपिसोड नंबर 34 ने चीजों को पूरी तरह से चेंज कर दिया, बिकॉज इस एपिसोड में ऐश को फाइनली मौका मिला एक टफ ओपोनेंट से बैटल करने का, जो की थी बे, जिससे काफी बुरी तरह से हारने के बाद ऐश और उसके रियोलू की काइंड ऑफ लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बे से हारने के बाद ऐश का रैंक हो गया था 890 से 930, और फिर बस 2 एपिसोड लेटर एक ऑक्टेलरी वाले ट्रेनर के साथ बैटल करने से उसका रैंक ड्रॉप हो गया था 975 पर। बट ऐश हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था, तो उसने उसी सेम एपिसोड में बैटल की एक फीमेल ट्रेनर से, जिसके पास एक टेंटाक्रूल था, जिसके टेंटाकल से डरने की वजह से ऐश और रियोलू उस बैटल को नहीं जीत पाए और उसका रैंक ड्रॉप हो गया 1021 पर, जिसके बाद ऐश और रियोलू दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग की, जिसके बाद एपिसोड नंबर 39 में ऐश को वापस से मौका मिला बे से बैटल करने का, पर यहाँ पर गो ने सीधा एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, जहाँ पर उसने बताया कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में बे का रैंक हो चुका है 193, जो कि सच में काफी ज्यादा हाई था। बट ऐश ने फिर भी उसे चैलेंज किया और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की, जहाँ पर अपने शेयर लक और डिटर्मिनेशन की वजह से उसने डिफीट कर दिया बे को, जिसके बाद ऐश ने रैंक अप तो किया था बट उसका रैंक हमें बताया नहीं गया था। पर फिर एपिसोड नंबर 51 में ये रिवील किया गया कि ऐश का करंट रैंक है 415, जो कि उसी एपिसोड में एक बिल्डर और उसके गोल्डर को हराने के बाद हो गया था 381। वेल, ये बैटल मोस्टली एक रेज बैटल थी, जहां पर ऐश के गैलेरियन फारफेच ने अपनी पूरी पावर को शो ऑफ करने की कोशिश की थी, जिससे ये बात क्लियर हो गई थी कि ऐश का गैलेरियन फारफेच एक काफी स्टबर्न पोकेमॉन है। और इसी आर्क को फिनिश किया गया जर्नीज के एपिसोड नंबर 60 में, जहां पर ऐश का करंट रैंक हमें बताया गया था 273, और इस एपिसोड में ऐश ने बैटल की थी रिंतो और उसके गलेड के साथ,
जो कि एक काफी कूल बैटल तो थी ही, बिकॉज ना सिर्फ इसमें एश का गैलेरियन फॉर फेच इवॉल्व हुआ था सरफेच में, बट साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी में भी थोड़े से चेंजेस आए थे जिसके बाद वो थोड़ा सा हम्बल बन गया था। एंड हाँ, एश का रैंक इंक्रीज हो गया था 273 से 184 पर। वेल, इसके बाद हमें दिखाई गई पोकेमॉन जर्नीज की वन ऑफ दी बेस्ट बैटल, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, और ये बैटल हुई थी एपिसोड नंबर 65 में, जो कि थी एश वर्सेस साइरस। क्योंकि इस बैटल ने पूरी तरह से ये प्रूव कर दिया था कि एश का ड्रैगनाइट सच में एक एब्सोल्यूट बीस्ट है। वेल, ये एपिसोड स्पेशल था आयरस और उसके रिटर्न की वजह से, बट इस एपिसोड की पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी ड्रैगनाइट और उसकी ग्रेट बैटलिंग स्किल ने। वेल, इन एनी केस, आयरस को हराने के बाद एश का रैंक हो गया था 99, जिससे वो पहुंच गया था अल्ट्रा क्लास में। और इसी पॉइंट से आगे जर्नीज की बैटल और भी ज्यादा एपिक होना स्टार्ट हुई थी, बिकॉज एपिसोड 77 में हमें देखने मिली वॉल्कनर वर्सेस एश की बैटल। ये बैटल सच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग और इंटेंस थी, क्योंकि इसमें लुकारियो ने काफी ब्रिलियंट परफॉर्म किया था। हाँ, माना उसका गेंगार भी काफी अच्छा था, बट पर्सनली मेरे हिसाब से इस बैटल का हीरो रहा था लुकारियो। और इस बैटल में वॉल्कनर को हराने के बाद एश का रैंक हो गया था 99 से 64। वेल, इसके बाद एश की एक एपिक बैटल के लिए हमें कुछ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बिकॉज जर्नीज के एपिसोड 64 में हमें फिर से एक अमेजिंग रीमैच देखने मिला एश और बे का। वेल, ये इनकी थर्ड बैटल थी, जो कि इनकी पिछली दोनों बैटल्स के मुकाबले एक अलग ही लेवल पर थी, क्योंकि इसमें बे ने अपने जिगेंटमैक्स माचैम को तो यूज किया ही था, बट साथ ही साथ इसमें एश ने अपने सबसे पहले मेगा पोकेमॉन मेगा लुकारियो को भी यूज किया था। एंड इट वॉज अ रियली सुपर बैटल, जिसमें बे को डिफीट करने के बाद एश का रैंक हो गया था 36। एंड देन रिसेंटली एपिसोड नंबर 99 में एश को बैटल करने का मौका मिला मारनी और उसके ग्रिम स्नेयर के साथ, जो कि अगेन एक काफी स्पेशल एपिसोड और बैटल थी, बिकॉज इसमें एश ने यूज किया था अपने जिगेंटमैक्स गेंगार को। बस स्टार्टिंग से ही एक बात तो क्लियर थी कि एश इस बैटल को जीतने वाला है, बट स्टिल इट वॉज रियली कूल टू वॉच। और इस एपिसोड में मारनी को डिफीट करने के बाद एश का रैंक फाइनली हो गया था 15। और लास्टली जर्नीज के एपिसोड नंबर 104 में एश को बैटल करने का मौका मिला ड्रासना और उसके पोकेमॉन्स के साथ, और इस एपिसोड में फाइनली फोकस किया गया एश के ड्रैकोविश और सरफेच पर, बिकॉज इन दोनों पोकेमॉन्स को काफी टाइम से इस सीरीज में उतने अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया था। वेल, द बैटल वॉज क्वाइट ओके, मतलब उतनी ज्यादा इंटेंस तो मुझे नहीं लगी थी, बट स्टिल इट वॉज फन टू वॉच। और यहाँ पर ड्रासना को हराने के बाद एश फाइनली पहुंच चुका है वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में 9th प्लेस पर। सो ओवरऑल एश की वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में जर्नी अब तक काफी ज्यादा ग्रेट और इंटरेस्टिंग रही है, एंड लेट जस्ट होप कि हमें जल्दी ही एश वर्सेस लियोन के बैटल जर्नीज में देखने मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि एश की अब तक की जर्नीज की सभी बैटल्स में से आपको कौन सी बैटल सबसे ज्यादा कूल लगी है। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।